जनाब रोज की तरह एक बार फिर निकले हैं आवाम के बीच एक ऐसे मसले को लेकर जो जुड़ा है दहेज प्रथा से, जो जुड़ा है कानून के बदलाव से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी, मैं हूं गौतम ठाकुर। आवाम की आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। जनाब सुप्रीम कोर्ट ने कानून में बदलाव किया है। अगर उस बदलाव की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को अधिकार दिया है फिर से एक बार कि कोई भी अगर दहेज प्रथा से जुड़ा हुआ कानून या मसला या कहा जाए शिकायत पुलिस के पास आती है तो वो किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार एक बार फिर से रखते हैं। जनाब आज आवाम के बीच यही जानने निकले हैं कि आखिर इससे कितना बदलाव आएगा, आखिर समाज में कानून होने के बावजूद भी ये दहेज प्रथा क्यों चली आ रही है। नाम भले ही बदल गए हैं पर दहेज प्रथा आज भी कई परिवारों के लिए समस्या बनी है। आज आवाम से, आज नौजवान से इसी समस्या का समाधान जानने निकले हैं। मालविका, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचती हैं दहेज के बारे में? दहेज एक बहुत ही बुरी प्रथा है जो काफ़ी टाइम पहले से चलती आ रही है, जिसका काफ़ी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। पर मुझे ये लगता है कि पहले के ज़माने में ये रूल्स बना दिए गए थे कि हाँ शादी होगी तो दहेज तो देना ही पड़ेगा, और उस वजह से वो आज तक फॉलो हो रहा है। आज अब हम दहेज इतना ज़्यादा नहीं दे रहे हैं जो जनरली देखा जा रहा है ज़्यादातर में, पर कहीं ना कहीं वो एक गिफ्ट के तौर पर फिर भी जा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें ये कहा गया है कि जैसे 2017 में परिवार कल्याण समिति जो है ये दहेज की प्रथाओं को अगर कोई केस आता था तो उस पर एक महीने के लिए पूरा उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती थी, फिर एक्शन होता था। लेकिन अब ये दोबारा जो है पुलिस के हाथ में आ गया है और पुलिस जो है इसको किसी के ऊपर भी एक्शन कर सकती है, यानी अब ये पुलिस के हाथ में। आपको क्या लगता है कि कहाँ तक ठीक है? देखिए, जब जहाँ तक बात की जाए डॉरी एक्ट की, जो कि 498A सेक्शन आया था जब, तो इसकी बहुत ज़रूरत थी क्योंकि जो महिला है और जो औरत की स्थिति बना दी गई थी इस दहेज प्रथा ने, तो उस वजह से महिला बहुत परेशान थी, और उस परेशानी को थोड़ा कम करने के लिए और दूर करने के लिए ये 498A सेक्शन लाया गया था IPC का, तो उससे महिलाओं को मदद मिली। बट हम अगर आज की बात करें, आज ज़माना थोड़ा बदल चुका है, महिलाओं के लिए ज़माना ज़्यादा नहीं बदला है, बट फिर भी काफ़ी हद तक बदलाव आ चुका है। आज की महिला 10 साल पुरानी महिला से ज़्यादा एम्पावर्ड है, आज लोग महिलाओं का ज़्यादा सम्मान करते हैं। तो ये जो 498 है सेक्शन है, इसका थोड़ा सा जो कि हम कहें कि गलत फ़ायदा महिलाएँ उठाना शुरू कर चुकी हैं। अंतर्गति तो हर माँ बाप, ये जो लड़के वाले हैं, ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी मोटी ताना ज़रूर देते हैं। तो माँ बाप जो क्या है, वो अपनी बेटी को सुखी रखने के लिए, उसका घर परिवार पूरा बसा रहे, इस वजह से वो गिफ्ट के तौर पे ये चीज़ें देने लग गए हैं। लेकिन एक बाप से पूछो, जब वो कर्जे लेकर दहेज दहेज को देता है और फिर बाद में सुनने को आता कि उसने आत्महत्या कर ली, उसका कर्जा चुकाया नहीं गया। तो मैं तो 15 साल से सोशल वर्क ही कर रही हूँ। आज मैंने एक क्लब बनाया हुआ है, रेनबो लेडीज़ क्लब, और इसी मुद्दे पे आज जो है मैं इकट्ठा कर रही हूँ इन लेडीज़ को भी, यंगस्टर से लेके ओल्ड एज ही। मैडम ने बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली कि दहेज की वजह से कई परिवार बर्बाद होते हैं, कई लोगों को आत्महत्या तक करनी पड़ती है। मैं आपसे, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं कहना चाह रही थी कि ये जो दहेज की प्रथा है ये ख़त्म क्यों नहीं हो पा रही। ऐसा नहीं है कि हम ख़त्म करना नहीं चाहते, लड़के वाले भी कई ऐसे हैं जो लड़की वालों को मना करते हैं कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, और कई बहुत बहुत हैं ऐसे। पर जो इसका सबसे मेन मुद्दा जो आ रहा है जहाँ से, वो है सोसाइटी। ये सोसाइटी नहीं जीने देती बिना दहेज लिए और बिना दहेज दिए। बोल, ये सोसाइटी जनाब, ये सोसाइटी। मैडम मैं आपके पास आऊँगा पर पहले इनके पास जाना चाहूँगा। जैसे कि मैडम ने कहा कि सोसाइटी का एक बड़ा रोल है, आपको क्या लगता है कि दहेज जो प्रथा ख़त्म नहीं हो पा रही है उसमें किसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और किसका ज़्यादा कहा जाए रोल है? हम जो लोग खड़े हैं, हम सब सोसाइटी, अगर हम ही ये सब समझ जाएं तो इसके अलावा कुछ रह ही नहीं जाता। अगर आज हम लोग समझेंगे तो कल हम किसी को गिफ्ट नहीं देंगे, और गिफ्ट को दहेज बना दिया जाता है नॉर्मली अगर देखा जी। यही तो करामात है हम लोगों की, कहा जाए कि सोसाइटी के ताने ना सुनने पड़े, इस वजह से जो दहेज है उसे गिफ्ट बना दिया गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा मैडम, आपको क्या लगता है कि दहेज जो है आपके मायने से कैसा है? देखिए, सोसाइटी क्या है, सोसाइटी हम ही लोग हैं, हमारे से ही सोसाइटी बनती है। पहले हम होते हैं, हमारी फैमिली है, फिर एक्सटेंडेड फैमिली आती है, जॉइंट फैमिली बनती है, यही एक एनलार्ज बेस है सोसाइटी का। और जब भी किसी चीज़ में हम चेंज चाहते हैं, चाहे वो स्मॉल लेवल पे हो या लार्ज लेवल पे, उसकी शुरुआत हमेशा हमारी फैमिली से और ख़ुद से होनी चाहिए। अगर हम लेना बंद करेंगे तो कौन देगा?
हम ये कहते हैं कि नहीं जी उन्होंने ज़बरदस्ती दे दिया। अगर हमने अपनी विश दिखाई या हमने अपना इनडायरेक्टली वे से हमने अपना इंटरेस्ट दिखाया तो ऑब्वियसली हर कोई देगा, और जब हम लेने के लिए तैयार हैं तो देने वाले तब तक ख़त्म ही नहीं होंगे। जनाब जब तक आपकी इच्छाएँ नहीं ख़त्म होती तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि लड़की और लड़के को पहले डिसाइड लड़के और लड़की को करना चाहिए कि लड़की को करना चाहिए कि मैंने देना नहीं है, और बॉयज़ को करना चाहिए कि हम नहीं दें, हमने हमें लेना नहीं है। जब तक लड़का और लड़की दोनों नहीं डिसाइड करते तब तक फैमिलीज भी कोई वो नहीं कर सकती। अगर उनका डिसीजन पक्का होगा तो फैमिली भी कुछ मैटर नहीं करती है, बिकॉज फैमिली यही सोचती है कि हाँ हमारे लड़के को चाहिए, और लड़की ये सोचती है लड़के वाले लड़कियाँ वाली लड़की लड़कियों वाले ये सोचते हैं कि हाँ हम देंगे तो हमारी बेटी खुश रहेगी, बट ये दोनों फैमिलीज को मिलकर ही चलना चाहिए। आपका नाम जानना चाहूँगा। अमिता पवार। अमिता जी आपको क्या लगता है कि क्यों आज की डेट में दहेज जो प्रथा है वो लगातार बढ़ती जा रही है? वो सिर्फ इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि सबसे पहली जो ज़रूरत है दहेज के लिए वो लेडीज़ को शिक्षा की जरूरत है, और लेडीज़ ही लेडीज़ के खिलाफ खड़ी होती हैं। दहेज कोई जेंट्स नहीं मांगते, सबसे पहला हाथ उसमें लेडीज़ का ही होता है क्योंकि उनकी मेंटेलिटी इतनी लो हो चुकी है कि वो एक लेडी दूसरी लेडी की दुश्मन बनती जा रही है। जेंट्स तो बाद में लेडी को सपोर्ट करते हैं, यदि सबसे पहले लेडी को जागरूक होना होगा, यदि वो चाहें तो दहेज प्रथा बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कहीं भी आपने देखा होगा सबसे पहले सास ही दहेज मांगती है, सास नंदे कहीं भी जलाते हैं तो सास और नंदे ही जलाते हैं, इवन हस्बैंड तो बाद में उनका साथ देते हैं। सबसे पहले यदि लेडी जागरूक होगी खुद दूसरों को जागरूक कर पाएगी तभी दहेज ख़त्म हो पाएगा। इसमें ना पुलिस कुछ कर सकती है ना समाज कुछ कर सकता है। यदि पुलिस को भी जागरूक करना है या समाज को भी जागरूक करना है तो सबसे पहले लेडी का ही रोल होगा। लेडी को जागरूक होने की ज़रूरत है और दूसरों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है कि ना ही दहेज लें और ना ही दहेज दें। दूसरी चीज़ ये कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अब जितने भी केस हैं वो सीधा पुलिस हैंडल करेगी, आपको लगता है इससे कुछ बदलाव आएगा? यदि पुलिस हैंडल करेगी तो इससे बदलाव मुझे तो नहीं लगता कि आएगा, यदि मैं अपनी बात बताऊं, क्योंकि इससे बदलाव नहीं आ पाएगा क्योंकि पुलिस इतना रोल नहीं है ना पुलिस का इसमें। पुलिस क्या कर सकेगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी। यदि घर घर जाके पुलिस सबको समझाए भी तो उसके बाद भी किसी ने उनकी बात तो सुननी नहीं है, थोड़ी देर तक सुन जानी है उसके बाद बोल देना इनका काम है, ये बोलते रहेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। यदि इसके बजाय हमारी समाज सेविकाएँ आगे आएँ और वो घर घर जाके लोगों को समझाएँ कि दहेज लेना पाप है, दहेज आज आप दूसरों की बेटियों से मांग रहे हो कल को आपकी बेटी भी दहेज देगी, आपको भी देना पड़ेगा, या वो जैसे दहेज में जलाई हुई लेडीज लड़कियां जला जाते हैं उनको देखें और फिर सोचें कि मेरी लड़की इस लड़की की जगह हो सकती है, तो डेफिनेटली ये समाज चेंज हो जाएगा। जनाब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कानून में जो बदलाव हुआ है कि अब जो है दहेज के जितने भी केसेस है वो डायरेक्टली पुलिस हैंडल करेगी और वही डिसाइड करेगी कि किसको गिरफ्तार करना है या नहीं करना है, आपको क्या लगता है कि इससे दहेज में कितनी कमी आएगी? दहेज यानी जिसको गिफ्ट भी कहा जाने लगा है, इनके केसेस में कितनी कमी आने की उम्मीद आपको लगती है? अगर हम इस लॉ के बारे में बात करें तो हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी है तो इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ इनइक्वालिटी तो है इस लॉ में कि ये रिग्रेस हो जाएगा तो, लेकिन अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी, हाईली पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो इस सोसाइटी को खोलने के लिए बदलाव लाने के लिए इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आप रोज़ाना देखते हैं कि किस तरह के उत्पीड़न के केसेस आ रहे हैं, रेप हो रहे हैं फीमेल के अंदर, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है, तो इसको एक माना जा सकता है कि इक्वालिटी के उस पर तराजू पे तो ये बैठती नहीं है बात, लेकिन हमारी कंट्री की जो सिचुएशन है जो बुनियादी सिचुएशन है तो उसके हिसाब से ये ठीक भी है एक लेवल पे। इस चीज़ के बिहाफ पे ये कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, ये इक्वालिटी नहीं है, ये किस बिहाफ पे? ये राइट टू इक्वालिटी, अगर आप देखो न्यूट्रल लॉ शुड बी न्यूट्रल, सेक्सुअली न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन ये उन्हीं समाजों का हो सकता है सेक्सुअली न्यूट्रल जो कि एजुकेटेड समाज है, जैसे कि कई लॉज हैं, जैसे एक लॉ होता है कि अगर किसी का संबंध हो जाए शादी में होते हुए संबंध हो जाए किसी और तो वो भी एक अपराध है हिंदुस्तान में, लेकिन बाहरी कंट्रीज़ में ये अपराध नहीं रहा है, लेकिन अगर हमारी सोसाइटी को हमने उस लेवल तक लाना है तो उसको लाने के लिए कुछ कड़े कानून आपको बनाने पड़ेंगे जो कि इनइक्वल भी लगेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है एक तरह से। हमारे इन जनाब को लगा कि इक्वालिटी में कहीं ना कहीं कमी है इस कानून में, मैं आपसे जानना चाहूँगा जनाब क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव आएगा इस कानून से जो बदलाव हुआ है? इस तरह के कानून से समाज में बदलाव की दिशा बनती है, परंतु मेरा मानना यह है कि जब तक इस तरह का जो भी कानून लाया जाता है उसमें दोनों पक्षों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है,
एक पक्ष को सुन लिया जाए या एक पक्ष को जान के कानून बना लिया जाए, दूसरे पक्ष को उसके बारे में अपने विचार रखने का कोई माध्यम ना हो, उस तरह से उसके लिए कुछ ना सोचा जाए, तो इससे समाज में असमानता की धारा पैदा होती है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जा सकता है? बिल्कुल उठाया जा सकता है, क्योंकि आज की जो स्थिति है, आज का जो वातावरण है, उसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बिना विचार किए भी कई सारे फैसले लिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों का इसके अंदर बहुत अधिक किसी कोई व्यक्ति इस तरह के कानून से डिप्रेशन में चला जाए, विशेषतः एक पक्ष को सुन लिया जाए, लड़की पक्ष को सुन लिया, लड़के पक्ष को नहीं सुना, क्योंकि इन चीज़ों के अंदर आज जो वातावरण हो रहा है, जो समाज में परिस्थितियाँ आई हैं, उसमें क्या होता है, ज़्यादातर हम अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, उसमें ज़्यादातर ऐसे केसों में गलत लोग फंस जाते हैं, गलत तरह से लोगों को फंसाया जाता है। तो इसके लिए पूरी तरह से निष्पक्ष होकर दोनों की जाँच होनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ ऐसा कानून बनना चाहिए इस विषय में। इससे पहले ये जो केस था, कि जो भी डॉरी से रिलेटेड केस था वो परिवार कल्याण समिति के पास जाता था, एक महीने उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए उनको समय दिया जाता था, उसके बाद जो है उनके ऊपर केस बनाया जाता था, उसको कि किसको अरेस्ट करना है नहीं करना है उस पर निर्णय लिया जाता था। लेकिन अब जो है डायरेक्टली पुलिस के पास ये अधिकार है कि अगर उसके पास केस आता है तो वो किसी को अरेस्ट कर सकती है। तो आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं इक्वालिटी जो है वो नहीं है, कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग होगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको भी लगता है कि ये जो कानून बदला है इसमें कहीं ना कहीं दुरुपयोग की जो है गुंजाइश ज़्यादा है? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि कोई भी लॉ है वो अपने आप में इट इज़ प्रोन टू बी मिसयूज्ड। लेकिन अगर हम इस कानून की बात करें तो स्पीडी ट्रायल के हिसाब से तो ये अच्छा है, क्योंकि पहले जो आप बोल रहे थे कि इनडायरेक्ट पहले जो एक कमीशन बना था उसके अंडर जो केसेस जाते थे, लेकिन और उसके बाद फिर पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता था, ये इससे क्या था कि एक जो प्रोसेस ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो लॉन्ग होता था। लेकिन अब क्या है कि डायरेक्टली जब पुलिस हैंडल करेगी तो हम स्पीडी ट्रायल के हिसाब से क्विक जस्टिस की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मिसयूज़ भी, यहाँ पर कुछ लूप होल्स भी है जिससे मिसयूज़ भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी आपके लिए ये एक अच्छा भी है कि थोड़ा फास्ट प्रोसेस हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो समय जो बर्बाद होता था एक आपकी मानी जाए तो कहीं ना कहीं वो समय ज़रूर बच जाएगा एक प्रोसेस के लिए। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या, क्योंकि जो दहेज प्रथा है वो हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत लंबे समय से चली आ रही है, सरकार चाहती है, हर कोई चाहता है कि ये प्रथा ख़त्म हो, लेकिन क्या वजह है आपके मायने में कि ये प्रथा आज भी बनी हुई है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही? सरकार भले कानून बना दे तब, लेकिन समाज के लोग जो अगर उनको स्वयं समाज, ये ऐसे कुछ ऐसे सामाजिक कानून हैं जो सरकार तो बना सकती है नियम, पर समाज के लोगों पे लागू होता है और समाज के लोग अगर उसे खुद नहीं ख़त्म करना चाहें तो वो मुश्किल होता है। इसलिए चूँकि कई मायने में ये समाज के अंदर से लोग जब तक खुद इसके विरुद्ध नहीं उठेंगे तब तक ये समस्या ख़त्म होनी मुश्किल है, क्योंकि सरकार का नियंत्रण कुछ सरकार जो है वो हर जगह सरकार जो है वो है लेकिन हर जगह नहीं हो सकती। इसका फ़र्ज़ अगर आपकी मानी जाए तो फ़र्ज़ ये है कि समाज खुद समाज को सुधारने का काम अगर अपने हाथों में ले तो ये समस्या ज़रूर हल हो सकती है। सरकार नियम बना सकती है या फिर पुलिस व्यवस्था बना सकती है, उसकी जांच कर सकती है, लेकिन समाज व्यक्ति के अंदर उसकी मनोवृत्ति या मनोदशा को चेंज कर सकती है, लेकिन उस पर काफ़ी समय लगता है। जब तक समाज के अंदर से खुद बदलाव नहीं आएगा इन चीज़ों को लेकर, सामाजिक समस्याओं के प्रति, तब सरकार बहुत हद तक सफल नहीं हो सकती। तब तक समाज के लोग खुद व्यक्ति एक इकाई के तौर पर उसको ख़त्म ना करें तब तक मुश्किल है समस्या को। चाहे आप कितने भी कानून बनाने, लेकिन अगर आपके अंदर से किसी चीज़ की यानी किसी बदलाव की उम्मीद ना जागे तो शायद बदलाव आ पाना बहुत मुश्किल है। आज निकले हैं आवाम के बीच ये जानने कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उन्होंने कहा है कि अब डॉरी के जितने भी केसेस हैं वो डायरेक्टली पुलिस हैंडल करेगी और उसके पास अधिकार होगा किसी को भी सज़ा देने का, यानी कि उसको जेल में डालने का। कुछ यंगस्टर्स हैं हमारे साथ जो चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं और उनकी चुस्कियों के साथ इसी सवाल का जवाब जानेंगे। सबसे पहले मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रीति है। ओके प्रीति, क्या करती हैं आप? एमफिल स्कॉलर हैं। चलिए, शादी के बारे में क्या कहेंगे? शादी दैट्स ओके, अच्छा है। अच्छा है, हाँ, कितने टाइम में करने वाली हैं? अभी कुछ सोचा नहीं है मैंने। अभी कुछ सोचा नहीं है, बिल्कुल। एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं दहेज प्रथा के बारे में। आपको क्या लगता है कि क्या है दहेज प्रथा और ये समाज को किस ओर ले जा रही है? सब जानते हैं कि शुरू में दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर अ गर्ल,
जब देते थे, लेकिन अब बेसिकली एक ट्रेंड बन गया है कि भाई देना ही है, देर इज प्रेशर ऑन पेरेंट्स बेसिकली और गर्ल फैमिली। ट्रेंड बन गया है लेकिन कुछ परिवारों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है, क्योंकि दहेज नहीं देंगे, गिफ्ट नहीं देंगे, पुरस्कार नहीं देंगे तो बच्ची की शादी अच्छे घर में नहीं होगी, ये एक सोच बन गई है। अभी जो बदलाव हुआ है कानून में, आपको क्या लगता है उससे कितना बदलाव आएगा और क्या उसका मिसयूज़ भी हो सकता है? हम देखते हैं कि बहुत सारे लॉज जो होते हैं उनके मिसयूज़ भी होते हैं और बहुत कुछ मतलब अच्छा भी होता है। मुझे जहाँ तक लगता है मे बी शायद अच्छा भी हो सकता है वो बुरा भी, क्योंकि क्योंकि बहुत सारी जो वुमेंस है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसको सही रास्ते पे लेके जाए, उस लॉ को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर, उसको समझे कि उसको ज़रूरत है उस लॉ की, ज़रूरी नहीं है कि वो उसको उस आस्पेक्ट से समझे। बिल्कुल जना, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव होना चाहिए और ये जो डोरी है इसको ख़त्म करने के मायने में आप क्या सोचते हैं? सर, मैं तो ये समझता हूँ कि जो डोरी जो एक सिस्टम है सोशल सोसाइटी का, वो एक फंडामेंटलिस्ट अप्रोच के द्वारा, जो मोस्टली ये हिंदू कल्चर में ज़्यादा है और हिंदू में ये अपर कास्ट और मिडल कास्ट में बहुत ज़्यादा है, लोअर कास्ट में भी है, लेकिन जो मिडल कास्ट है वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। और डोरी से क्या होता है, डोरी से सोशो कल्चर और इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी इन सोसाइटी है वो वीक होती है। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं लड़की के, वो पैसा कमाने के लिए करप्शन भी कर सकते हैं क्योंकि उन्हें डोरी देना होता है। इसके बहुत बड़े एस्पेक्ट हैं सोसाइटी में, और जो नया एक्ट आया है ये मे बी स्ट्रिक्ट हो और प्रोटेक्ट करे वुमेंस को, लेकिन अगर इसको हम खाली वुमेन को और वुमेन की सिक्योरिटी को से लेके जोड़ेंगे तो ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट नहीं होगा। हमें पूरा सोशो कल्चर एस्पेक्ट देखना पड़ेगा कि कैसे कल्चर ने पूरी डोरी को ख़त्म करना है। हमें एक छोटी सी चीज़ कहा जाए कि हमें जड़ को पकड़ने की ज़रूरत है अगर हमें ये समस्या को हटाना है। बिल्कुल जनाब, यहाँ पे और यंगस्टर्स हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा जनाब आपका नाम क्या है? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी कहाँ से हैं? मैं जींद से, हरियाणा से। जींद हरियाणा से हैं। हरियाणा में कैसा, आप भी आप हरियाणा के रहने वाले हैं, तो दहेज का कैसा क्या माहौल है वहाँ? चलता है, दहेज लेते देते हैं अभी भी, हरियाणा में है ये चीज़ें। तो अभी आपकी जब शादी होगी तो आप लेंगे? आप तो स्टडी के मतलब कि जब से हम शिक्षा मिली है या हमें देख रहे हैं कि समाज में कैसे कैसे बदलाव आए हैं, तो मैं तो नहीं लूँगा डायरेक्टली बात नहीं। इसकी वजह क्या है? अगर आप नहीं बोलते हैं तो क्या उससे, क्या पेरेंट्स का कहीं ना कहीं दोष है कि वो डिमांड करते हैं? हाँ, ये चीज़ें होती हैं। अगर हमारे पेरेंट्स शिक्षा में नहीं हैं तो वो डिमांड करते हैं, अगर हमारे पेरेंट्स शिक्षा में हैं तो वो डिमांड नहीं करते। उनको पता चलता है कि समाज में हो क्या रहा, या क्या है या क्या नहीं है। एक नौजवान का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो अगर उसके माँ बाप जो है सोचते हैं कि उन्हें दहेज की ज़रूरत है, उन्हें गिफ्ट की ज़रूरत है, तो क्या एक नौजवान का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो अपने माँ बाप को समझाए? मैं हरियाणा के हिसार ज़िले से हूँ और मेरा जो बैकग्राउंड रहा वो रूरल बैकग्राउंड रहा है। अगर हम सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो दहेज का जो बदलाव है, जो ट्रेंड है, वो अभी कुछ समय से बदला है। हिसार की अगर आप स्टडी देखें, केस स्टडी दें, तो कई लड़कियों को जिंदा जलाया गया है, जिनके बाकायदा केस स्टडी है, उनके ऊपर इसे पेपर हैं। जो सबसे बड़ा जो बदलाव अब जो आया है वो एजुकेशन में आया है, जो वुमन पार्टिसिपेशन एजुकेशन में उनका बढ़ा है, तो जो दहेज की जो प्रथा है वो दूर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो कल का जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सबसे बड़ा नुकसान मैं ये बोलूँगा, अगर पुलिस डायरेक्ट कार्रवाई करेगी तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं गलत होगा। जब तक उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो दोनों पहलुओं पे बात नहीं करेगा, चाहे लड़का है या लड़की है, क्योंकि हो सकता है अगर उनकी फिजिकल रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो डाउरी का जो केस है वो उस पर फाइल कर सकती है, लेकिन हो सकता है कोई सोशल प्रेशर हो सकता है कोई उनका फैमिली कन्फ्लिक्ट हो, तो वो सोचते कि जो डाउरी सिस्टम है उसी से सब कुछ होगा। उसके बहुत से रीज़न है, रूरल जी की परस्पेक्टिव में देखते हैं बहुत डिसीजन है, तो मुझे लगता है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो तब जाके बदलाव हो। और मैं यही कहूँगा, जब से मैं एजुकेशन में आऊँ, PU में आऊँ, तो मैं शादी में दहेज नहीं लूँगा, और ये ट्रेंड बदला है, लड़कियों ने बदलाव किया है, लड़कों ने बदलाव किया है, मैं यही कहना चाहूँगा। अगर बदलाव की ज़रूरत है, अगर आप बदलाव चाहते हैं, तो एक नौजवान एक ज़बरदस्त बदलाव ला सकता है, क्योंकि एक नौजवान ही है जिसके ऊपर देश को तरक्की की ओर, विकास की ओर ले जाने का दारमदार है। मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रिचा है। रिचा, क्या करना चाहती हैं आगे? मैं अभी MA इंग्लिश कर रही हूँ, आगे PhD करूँगी, हो सका तो एक बहुत अच्छी जॉब के लिए कोशिश करूँगी, एडमिनिस्ट्रेशन में जाने की। इंशाल्लाह, अगर आप
इसी तरह लगी रही तो बहुत अच्छी जॉब भी मिलेगी। तो आपका क्या मानना है डॉरी के बारे में, दहेज के बारे में? देखिए डॉरी जो है ना, एक्चुअली ऐसा हमने अभी रिसेंटली कुछ पढ़ा है तो मैं उसी बारे में बात करती हूँ कि जब कोई क्लास होती है, चाहे आप उसे पेट्रियार्कियल में मेल्स को ले लीजिए, चाहे आप उसे कास्ट सिस्टम में हायर कास्ट को ले लीजिए, चाहे आप उसे हायर क्लासेस को ले लीजिए, यू नो द ओनर्स कैपिटलिस्ट, तो वो लोग हमेशा अपनी सुप्रीम पोजीशन को बनाए रखने के लिए ऐसे कल्चर ट्रेंड्स चलाएंगे या ऐसी प्रैक्टिसेस चलाएंगे जिससे उनका वर्चस्व जो है वो बना रहे। तो डाउरी भी मुझे लगता है कि अब वो एक उनमें से एक ऐसी प्रथा बन चुकी है कि जिससे जो लड़के वालों का हाथ है वो थोड़ा ऊपर रहता है और माँ बाप, लड़की के माँ बाप को लगता है कि बड़ा नेचुरल है, बेटी पैदा हुई है तो उसी दिन से नेचुरल है कि इसको दहेज तो देना है, ये एक सोच बन गई है। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने 2-3 साल पहले अपनी मदर से बात करके कहा, मैंने कहा मम्मी आई डोंट वांट कि आप मुझे कुछ दो डॉरी वॉरी, क्योंकि दे वर डिस्कसिंग इन द हाउस कि हम ये करेंगे हम वो, जैसे सबको शौक होता है, तो आई सेड कि आई डोंट वांट एनीथिंग, तो दे सेड नहीं ये तो देना ही है, ये तो नेचुरल है, तुम्हारे कहने से क्या होता है। तो इसमें समझाने का फ़र्ज़ तो आप ही का बनता है कि आप उनको समझाएं। समझाने का फ़र्ज़ मेरा है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि ये चीज़ एक नेचुरल सोच बन चुकी है जिसको सुधारने में टाइम लगेगा और जोर भी लगेगा हमारा यंगस्टर्स का, और ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स समझते नहीं हैं, पेरेंट्स समझेंगे धीरे धीरे, आपको कंसिस्टेंटली उनको अपनी बात सामने रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात रही इस लॉ की, तो आई थिंक कि जैसे हम फेमिनिज्म में बात करते हैं इक्वालिटी की, तो फेमिनिज्म में हम ये नहीं कहते हैं कि औरतें और आदमियों के ऊपर होकर उन पर राज करें, फेमिनिज्म का मतलब है कि सब एक लेवल पे आएं। तो अगर ऐसा है तो उस मेल को भी और उस फीमेल को भी दोनों को इक्वल इन्वेस्टिगेशन का चांस मिलना चाहिए, दोनों को अपनी अपनी बात रखने का पहले चांस मिलना चाहिए और फिर आगे कार्रवाई हो। एंड आई एम वेरी मच अगेंस्ट डॉरी, मैं ऐसा नहीं कहती कि डॉरी अच्छी चीज़ है, बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जो एक इंस्टेंट एक्शन होगा ना वो कई बार गलत हो सकता है। कानून बनते हैं, कानूनों में प्रावधान होते हैं, लेकिन सोचने की बात है कि आखिर कानून क्यों बनते हैं। कानून बनते हैं क्योंकि समस्या है, कानून बनते हैं क्योंकि समाज जो है ऐसी समस्याओं को जन्म देता है। नाम जनाब अलग अलग दिए जाते हैं, चाहे आप उसे डॉरी कहिए अंग्रेजी में, हिंदी में दहेज कहिए, या फिर गिफ्ट, या फिर जैसा जनाब ने अलग अलग शब्दों से इस दहेज प्रथा को संबोधित किया, लेकिन है ये एक समाज की बहुत बड़ी समस्या। कुछ ऐसा करके दिखाइए जनाब, नौजवान जो हैं वो बदल रहे हैं, सोच बदल रहे हैं, और अगर आप बदलेंगे, आप शुरुआत करेंगे तो बदलाव ज़रूर आएगा।